वेलकम बैक टू अवर चैनल यार एसके वर्सेस एसके गेमिंग। सो कैसे हो यार आप लोग, होप करता हूँ ठीक ही होगे यार। सो देखो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने हमारी आईडी स्कैम करने की ट्राई की है यार, वो भी एक नए ट्रिक से। कोई भी उसने आईडी पास नहीं मांगा था, कुछ भी ऐसे नहीं किया था, मतलब एकदम अलग ही ट्रिक अपनाया था यार बंदे ने। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बंदे के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की इस वीडियो। सो एंड तक जरूर देखना, एंड चैनल पे नए हो तो यार जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक करना बोलना, शेयर करना बोलना। सो इस चलो यार बिना कोई देरी की बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस देखो यार, मैं आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ कि ये स्कैमर मेरे को कैसे मिला। सो यहाँ पे देखो यार, ये स्कैमर बेसिकली मेरे को नहीं मिला था यार, हमारे दोस्त साई भाई को मिला था यार। सो अब कोई भी फ्रेंड लिस्ट में ऑनलाइन नहीं दिखा रहा था, कुछ ग्लिच हो गया था, पता नहीं, कोई भी फ्रेंड लिस्ट में ऑनलाइन ही नहीं दिखा रहा था साई भाई को। सो यहाँ पे देखो, साई भाई ने क्या किया, वर्ल्ड चैट से एक बंदे का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। मतलब किसी ने वर्ल्ड चैट में रिक्वेस्ट डाला था तो उसके अंदर से मतलब एक्सेप्ट कर लिया। सो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे हुआ क्या, जब साय भाई वो ग्रुप के अंदर गए, सो वो ग्रुप में भरे पड़े थे यार स्कैमर्स। मतलब पूरे नहीं थे, एक बंदा सबकी आईडी स्कैम करने की ट्राई कर रहा था यार। सो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो JRDick69 करके एक बंदा आपको दिख रहा है ना, यही है यार स्कैमर। एंड यहाँ पे देखो, ये बंदे ने एकदम अलग ही ट्रिक अपनाया यार स्कैम करने का। मतलब बेसिकली स्कैमर्स करते क्या है यार, मतलब ऐसे पूछते हैं कि मेरे को आपके आईडी में खेलना है, या फिर मेरे को आपके आईडी में कुछ देखना है, या फिर गेम प्ले रिकॉर्ड करना है, कुछ भी ऐसे बोलते हैं। बट यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे बंदे ने एक तो अलग ट्रिक अपनाया यार। सो यहाँ पे देखो, बंदा ये कह रहा है कि चलो आईडी एक्सचेंज करते हैं, आप चैट में पढ़ सकते हो यार, चलो हम लोग आईडी एक्सचेंज करते हैं। मतलब वो स्कैमर की आईडी मेरे पास एंड मेरी आईडी उसके पास। मतलब कुछ भी यार, आईडी स्कैम करने का अलग अलग तरकीब अपना रहे हैं यार। एंड यहाँ पे आपको एक फ्लैश करके एक दूसरा बंदा दिख रहा है ना यार, ये स्कैमर नहीं है, ये भी वर्ल्ड चैट से आया हुआ एक रैंडम बंदा है यार। पहले ये स्कैमर ने फ्लैश की आईडी स्कैम करने की ट्राई की थी, यहाँ पे आप चैट में पढ़ सकते हो यार, बीच बीच में हमारे साई भाई ऐसे चैट खोल रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यार कि बंदे ने मतलब पूरा चैट ही किया था यार, कुछ भी ऐसे बात बात कुछ भी नहीं किया था। स्टार्टिंग में बंदे ने फ्लैश की आईडी हैक करने की ट्राई की थी यार, यहाँ पे कोई आईडी एक्सचेंज करेगा क्या, फ्लैश आईडी एक्सचेंज करेगा क्या करके ऐसे मैसेज कर रहा था, बट फ्लैश ने मना कर दिया यार। बट साई भाई ने यहाँ पे पकड़ लिया यार कि ये स्कैमर था, क्योंकि पता चल जाता है यार कि कौन स्कैमर है कौन स्कैमर नहीं है। सो यहाँ पे देखो, साय भाई ने उसके साथ ही मज़े ले लिए यार, चलो आईडी एक्सचेंज करते ऐसे वैसे कर दिया था। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था यार चैट पूरा। सो यहाँ पे देखो यार, फ्लैश ने यहाँ पे मना कर दिया यार, जैसे मैंने कहा था आपको कि पहले ये बंदे ने फ्लैश की आईडी स्कैम करने की ट्राई की थी, बट यहाँ पे देखो फ्लैश ने सीधा मना कर दिया यार। यहाँ पे आप चैट में पढ़ सकते हो, यहाँ पे फ्लैश ने सीधा मना कर दिया। उसके बाद ये बंदा आया साय भाई के पास यार, साय भाई के पास आया। एंड यहाँ पे देखो, पहले SVS करके लिखा था बंदे ने, SVS क्या आप आईडी एक्सचेंज करोगे। सो यहाँ पे देखो SVS करके लिखा बंदे ने, एंड अभी उसके बाद आईडी एक्सचेंज करेगा क्या करके बोलेगा। सो यहाँ पे देखो, साय भाई बोलो करके ऐसे बोल रहे हैं। सो स्कैमर का बहुत गंदा मजा लिया यार हम सब ने। एंड यहाँ पे आता है यार एक नया बात। सो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे बंदे ने अभी स्कैम करना स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पे देखो, बंदा यहाँ पे बोल रहा है कि पहले आपकी आईडी की कलेक्शन दिखाओ कि कैसी है, उसके बाद ही मैं आईडी एक्सचेंज करूँगा ना करके ऐसे मैसेज लगाया था। सो यहाँ पे देखो, आप पूरा स्क्रीन पे पढ़ सकते हो यार, पूरे चैट से आपको अवेलेबल है पढ़ने के लिए। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बंदे ने कलेक्शन दिखाओ करके बोल रहा था। सो साय भाई ने यहाँ पे पूरा कलेक्शन दिखाया है यार अपना। सो वो पार्ट तो मैं पूरा कट कर रहा हूँ। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे साय भाई ने वो बंदे को भी कहा था यार कि कलेक्शन दिखाने को अपना। सो वो बंदे ने भी ड्रेसेस चेंज करते रहा, एंड साय भाई ने भी ड्रेसेस चेंज करते रहा यार। सो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पार्ट को कट नहीं कर रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ यार, क्योंकि दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा दिखाने का। सो इसके लिए मैं पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो यार, इसके बहाने आप कलेक्शन भी देख सकते हो साय भाई का, मतलब पूरे अच्छे अच्छे बंडल्स, इमोट्स, स्किन्स एंड अलग अलग आइटम्स दिखा रहे थे साय भाई। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, पूरा बंदे ने भी, बंदे के पास भी कोई भी कम नहीं है यार, बंदे के पास भी बहुत ज़्यादा OP आइटम्स है।
सो गाइस यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे पूरा कलेक्शन वर्सेस हो गया है ख़त्म। एंड यहाँ पे देखो पूरा कलेक्शन वर्सेस ख़त्म हो चुका है यार। एंड वो बंदे ने चैट में भी लिख दिया था यार कि मैं अभी SVS के साथ ID एक्सचेंज करने वाला हूँ। सो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है यार कि अभी क्या बोलेगा वो आगे वाला बंदा जब हम लोग स्कैम या फिर कुछ भी ऐसे बोलेंगे वो बंदे को। सो अभी यहाँ पे देखना है यार कि ये बंदा क्या बोलेगा चैट वाले सेक्शन में। ये बंदा बोल रहा है कि मेरी आईडी हैक मत कर लेना, मतलब कुछ भी यार, मतलब वो बंदा मेरी आईडी स्कैम करना चाहता है एंड मेरे को ही बोल रहा है कि आईडी स्कैम मत कर लो। मतलब अलग ही बंदे हैं यार ये लोग, मतलब क्या बोले अभी इनके बारे में। सो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे बंदा पूरा यहाँ पे आईडी स्कैम करने की ट्राई कर रहा है। सो देखो यार, आज की इस वीडियो में मतलब मैं आपको यही बताना चाह रहा था यार कि अगर कोई भी आपसे आईडी पास मांगे सो आप किसी को देना मत यार, क्योंकि ये बंदे आईडी एक्सचेंज के नाम पे स्कैम मार के चले जाते हैं यार आप सबको। सो कोई भी आईडी पास देना मत। अगर वो बंदा डायरेक्टली आपको पूछेगा तो आप तो आईडी पास दोगे नहीं, इतना तो पता है। बट अगर कोई भी आपको ऐसे बोल रहा है कि आईडी एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसे, मेरे को आपके आईडी में गेम प्ले रिकॉर्ड करना है या फिर आपके आईडी में खेलना है, तो कुछ भी मत करो यार, वो बंदे को फ्रेंड लिस्ट से ही निकाल दो या फिर ग्रुप से निकल जाओ यार। वो बंदा आपकी आईडी स्कैम करने की ट्राई कर रहा है, इतना समझ जाओ। सो यहाँ पे देखो यार, साई भाई अभी इसको स्कैम करके लिखेंगे एंड लो लिमिट दिखा के चले जाएंगे यार, क्योंकि पता चल गया है यार कि ये बंदा स्कैमर है। क्योंकि अभी देखो आईडी एक्सचेंज तो कर पाता नहीं यार, क्योंकि साई भाई की आईडी 65 लेवल या फिर 64 लेवल की है एंड वो बंदे की आईडी 71 की है यार। एंड 71 का बंदा थोड़ी ना 64 लेवल की आईडी एक्सचेंज करेगा यार। सो यहाँ पे देखो पता चल जाएगा। एंड वो बंदे ने सारे इलाइट पास लेके रखे थे यार, एंड साई भाई के अकाउंट में कुछ इलाइट पास हैं एंड कुछ इलाइट पास नहीं है। सो यहाँ पे देखो यार, वो बंदे की आईडी भी ओपी है यार एंड साई भाई की आईडी भी ओपी है, बट यहाँ पे वो बंदा थोड़ी ना आईडी एक्सचेंज कराएगा यार अगर आप उसको आईडी पास अभी दोगे। सो आपकी आईडी स्कैम हो जाएगी यार। सो आईडी पास दे के बेकार है ये बंदे को, एंड समझ जाना यार कि अगर कोई भी ऐसा चीज़ करा तो स्कैम है। सो गाइस चलो यार, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड में आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा यार एंड पता भी चल गया होगा यार कि ये बंदा स्कैमर है। सो अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो यार जल्दी से जो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, शेयर करना मत भूलना। सो चलो यार, दिस इज सतीश एंड देन सेंडिंग ऑफ SK vs SK गेम है।